नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रेवसा सीतापुर। आई मैं खबर से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। रेवसा क्षेत्र के बभिया गांव के ठेकेदार ने 26 मजदूरों की डेढ़ माह की मजदूरी का नहीं किया भुगतान। मजदूरों ने ठेकेदार के विरुद्ध थाना रेवसा में दिया शिकायती प्रार्थना पत्र। थाना रेवसा क्षेत्र के बभिया गांव निवासी शिव भगवान शुक्ला, जो रेवसा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से 26 मजदूरों को लेकर करनाल गए थे, वहां उन्होंने मजदूरों का डेढ़ माह का मजदूरी का पैसा भुगतान नहीं किया तो मजदूरों ने काम बंद कर अपना पिछला पैसा मांगा। ठेकेदार द्वारा पैसा न देने की धमकी देने पर सभी मजदूर काम छोड़कर घर चले आए और थाना रेवसा में उन्होंने अपनी मजदूरी का पैसा दिलाए जाने की मांग की है। ठेकेदार ने शिव भगवान शुक्ला के विरुद्ध थाना रेवसा में शिकायती प्रार्थना पत्र देने वाले मजदूरों में रामू भार्गव आदि ने बताया कि उनको हर माह की 7 तारीख को मजदूरी के भुगतान का वादा कर काम पर ले जाया गया था। डेढ़ माह काम करने के बावजूद जब उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो उन लोगों ने ठेकेदार से पैसा मांगा। मजदूर की डेढ़ माह की मजदूरी का पैसा देने से इनकार करने पर उन लोगों ने थाने में शिकायत की है। अब देखना है कि पुलिस उन मजदूरों को मजदूरी का पैसा दिलाकर न्याय करती है या उनके मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। आइए सुनिए मजदूरों की मुजबानी। नमस्कार, जय हिंद। लोग काम करने के लिए हमको शिव भगवान लेके गए थे करनाल, तो डेढ़ महीने तक हम लोग 26 आदमी काम किया, फिर पैसा हम लोगों को नहीं दिया तो हम जैसे तैसे करके चले आए घर पे। आज थाने में तहरीर दिया है, देखो क्या होता है। क्या नाम है आपका? रामू। किस थाने में एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन रोसा थाने में दिया। क्या 26 लोगों के नाम आप बता सकते हैं? हाँ जी, बता। बताइए। पप्पू कुमार। हाँ बताइए। पप्पू कुमार, अशोक कुमार, नीरज, रोहित, रिजवान, अनिल, योगेंद्र, आकाश, काशीराम, इरफान, सरोज, उपेंद्र, सतीश, शिवमूरत, लवकुश, नरेश, आलोक, मनोज, सुजीत, भैलाल, भूपेंद्र, अनिल, मोहित, पवन, करण और उपेंद्र। हम बात करेंगे जो रेवसा क्षेत्र के मजदूर हैं जो बाहर को मजदूरी करने गए थे, ठेकेदार के द्वारा उनको ले जाया गया था और यहाँ पे रेवसा थाना के गेट के सामने की तस्वीर है जहाँ पे सभी मजदूर एकत्रित हुए हैं और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, अपनी न्याय की गुहार लगाई है, उससे थोड़ा जानकारी हम लेना चाहेंगे। भैया अपना परिचय हमें बताइए पहले। हमारा नाम रामू, ग्राम मुस्तावास, जिला सीतापुर। जिला सीतापुर। हाँ। पिता का नाम क्या है? महेश प्रसाद। महेश प्रसाद सिंह जी। अच्छा अच्छा, ये जो लेबर हमारे रेवसा क्षेत्र के हैं इनको कौन लेके गया था? इनको शिव भगवान बम्भिया के लेके गए थे। शिव भगवान बम्भिया के लेके गए थे। अच्छा, उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम मालूम नहीं। नहीं मालूम है। नहीं मालूम। अच्छा, कहाँ पे लेके गए थे? ये करनाल ले गए थे, गुडरिच कंपनी है एक। अच्छा, वहाँ पे बता के ले गए थे कि आलू की चिप्स पैक करनी है। हाँ। लेकिन वहाँ चिप्स का काम होता ही नहीं है, वहाँ पे आलू के कट्टे उतरवाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमसे यहाँ से झूठ बोल कर ले गए। 13,000 पेमेंट बोल रहे थे कि एक महीने का 13,000 सबको मिलेगा। अच्छा अच्छा। और कमरा फ्री मिलेगा। अच्छा। लेकिन ये सुविधा कुछ नहीं मिली। बोले कि 7 तारीख को पेमेंट हो जाता है, तब ये वहाँ हम लोगों को छोड़ के चले आए और वो जब पेमेंट का नंबर आया बोले 7 को आ रहे हैं, 7 तारीख को पेमेंट हो जाए, तो 7 से 14 तक हम लोग वहाँ इंतजार किया, फिर बोले 17 को आएंगे, फिर 17 को भी इंतजार। मतलब आपको ये झोली बनाते रहे, आपको फंसाते रहे और काम पूरा करवाते रहे, पर आपको पेमेंट कितना पेमेंट हुआ आपका? पेमेंट हमारा 1,54,000 रुपये बना है। 1,50,000 रुपये आपका मजदूरों का बना है, जिसमें से आपको प्राप्त कितना हुआ है? हमको 4,000 रुपये मिले थे बस। खाली 4,000 रुपये मिले थे। अच्छा अच्छा, ये कितने मजदूर गए थे वहाँ पे? 26 आदमी हम लोग थे। 26 आदमी थे। कहाँ कहाँ के लोग थे इसमें? ये यहाँ उमरा के थे, रेवसा के थे और 2 आदमी बंदिया के थे और ईसापुर के थे और हमारे मुस्काबाद के थे। अच्छा, 5-6 गांव के थे। अच्छा, तो क्या इसकी कहीं प्रार्थना पत्र दी, तहरीर दिया आपने? तहरीर आज हमें जब वो पेमेंट देने को मना कर दिया तब आज हमने रेवसा थाने में तहरीर दिया। थाने में तहरीर दिया जी। आपको क्या एसओ साहब कहा है? एसओ साहब कहा है कि आज हम शाम को जाएंगे। हाँ। उनको पकड़ के लाएंगे, तब हम आप लोगों को कल बुलाएंगे। अच्छा। हाँ। ठीक, ओके। हम कुछ लेबर से भी बात करना चाहेंगे। भैया आपका नाम क्या है? आलोक। आलोक। पिता का नाम? राम। कहाँ रहते हैं? उमरा रहते हैं। थाना क्या लगता है? थाना क्या लगता है आपका? लहरपुर थाना लगता है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ गए थे काम करने के लिए? हमको करनाल ले गया, पानी के आगे है। अच्छा, और वहाँ पे कौन लेके गया था? शिव भगवान लेके गया था। ये कहाँ पे रहते हैं?
बम्बिया रहते हैं। अच्छा अच्छा, पेमेंट आपका हुआ नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ है। कितना पैसा है आपका? पूरा पैसा है 13,000। आपका 13,000 है। कुल मजदूर कितने गए थे वहाँ पे? 26 मजदूर गए। पूरा पैसा कितना पेमेंट बाकी है वहाँ पे? 1,49,000। इसकी थाने में तहरीर दी आपने? अच्छा, और भैया से हम बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? रिजवान नाम है। कहाँ रहते हैं? रेवसा रहते हैं। आपके पिता का नाम क्या है? मुबारक अली। मुबारक। अच्छा अच्छा, ये आप भी काम करने गए थे? जी, हम भी काम करवाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या प्रक्रिया हुई, कैसे क्या हुआ, थोड़ा जानकारी में दीजिए। प्रक्रिया ये हुई कि हम लोग काम किए, 1.5 महीना तक पैसा भी तक नहीं मिला, झांसे में रखा तो पैसा मिल जाएगा। अच्छा, 7 तारीख से 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 1 तारीख देखते रहे लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। कौन लेके गया था? शिव भगवान लेके गए। शिव भगवान लेके गए थे। कितने लोग गए थे आप? 26 आदमी थे। 26। कितना पेमेंट बाकी है? 1,49,000 रुपया। 1,49,000 रुपये। आप मांगे उनसे पैसा? पैसा हम लोग माने, कोशिश की, मांगा भी, बोले आ जाएंगे तभी पैसा मिलेगा, लेकिन तो क्या कहा उसने, देने से का इनकार कर रहा है? इनकार कर दिया। फिर आप इसकी थाना में कहीं प्रार्थना पत्र दिया आपने? फिर हमने थाना में आके कहा। फिर क्या आश्वासन मिला? फिर मिला है कल हम जाएंगे लेके आएंगे। अच्छा, अगर भाई दबे अगर वो ना मिले, नहीं आपको पैसा मिल जाएगा, तो आपका अगला फिर कदम क्या रहेगा? आपका अगला कोई कदम और देखा जाएगा, उठाएंगे। अच्छा, हम बात करेंगे भैया से। भैया अपना नाम बताइए पहले। नीरज कुमार। पिता का नाम? शत्रु। कहाँ रहते हो? उमरा में रहते हो। थाना क्या लगता है? लहरपुर लगता है। अच्छा अच्छा, कहाँ काम करने गए थे आप? कौन लेके गया था? तो पैसा मिला नहीं मिला? नहीं। कितना पैसा है? 1,49,000 सब लोग। अच्छा, कितने लोग गए थे? 25 लोग। 26 लोग गए थे। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? पिता का नाम? कहाँ रहते हो? उमरा में रहते हो। अच्छा अच्छा, आप कहाँ काम करने गए थे? करनाल गए थे। अच्छा, कितने लोग गए थे आप? 26 आदमी। कितना पेमेंट आपको मिलता था एक माह का? एक महीने में कितना पेमेंट मिलता था? 13,000। अच्छा अच्छा, कितने दिन काम किए वहाँ पे? 1.5 महीना। कितना पेमेंट हुआ आपके? 1,49,000। अच्छा, 2600 आदमी का हुआ। अच्छा, और किसने लेके गया तुमको, पूरी जानकारी हमको बताओ विधवत से आप। सुना आपके भी कुछ चोटें भी आई हैं कंपनी के? उंगली कटी हुई थी, मुझे बोला था कि हाजिरी दूंगा, हाजिरी भी एक नहीं दिया। अच्छा, ये जो उंगली आपकी कटी है, दवाई करने को चला तो दवाई भी नहीं कराया। ये जो आपकी उंगली कटी है तो कंपनी में ही कटी थी? कंपनी में ही कटी थी। अच्छा, तो इसके जो बैठ गए थे, इसके बाद बैठने के बाद तुमको पगार मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। कहा था देने को? देने को कहा था लेकिन मिली नहीं। दिया नहीं। अच्छा अच्छा, कौन लेके गया था? शिव भगवान। शिव भगवान कहाँ रहते हैं? बम्बिया रहते हैं।